This is 11th question, right? So this we shall be proving here. So this is what is given is as good as for n is equal to k. So pk we have as k plus 3 upon 4 k plus 1 k plus 2. And for pk plus 1, we will add one more term like this to this result. So pk plus 1 will be written as k into k plus 3 upon 4 into k plus 1 k plus 2 plus 1 upon. अब इसकी नेक्स्ट क्या होगी कि n है तो n plus 1 से शुरू होगी. n plus 2 n plus 3. n की जगह हम क्या यूज करेंगे यहाँ पे k. राइट. अब ध्यान से देखें डिनोमिनेटर में k प्लस 1 k प्लस 2 दोनों तरफ आ रहा है. कॉमन ले लीजिए. क्या क्या बचा k इंटू के प्लस 3 k इंटू के प्लस 3 अपॉन यहां से बचा 4 और यहां से बचा 1 अपॉन k प्लस 3. ठीक है. अब हमें क्या चाहिए, हमें रिजल्ट किस फॉर्म में चाहिए, किस फॉर्म में रिजल्ट चाहिए. इस फॉर्म का मतलब हो गया हमें रिजल्ट में चाहिए यहाँ पे k प्लस 2 k प्लस 3 यहाँ पे k प्लस 1 यहाँ पे k प्लस 4 ऐसे चाहिए. तो ठीक है k प्लस 1 k प्लस 2 इसको सॉल्व करते हैं, फैक्टराइज करते हैं. सो दिस इज 1 अपॉन k प्लस 1 k प्लस 2 और इसको सॉल्व करते हैं k into k plus 3 का स्क्वायर k into k plus 3 का स्क्वायर प्लस 4 अपॉन 4 into k plus 3. ठीक है, इसको खोल दीजिए तो क्या आ जाएगा अपने पास 1 अपॉन k plus 1 k प्लस 2 k स्क्वायर प्लस 6 k प्लस 9 और सबके साथ k मल्टीप्लाई हो रहा है. ठीक है, k क्यूब प्लस 6 k स्क्वायर प्लस 9 k प्लस 4 अपॉन 4 इंटू k प्लस 3. ठीक है, अब मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको एक्सप्लेन किया था हमें यहाँ पे n की जगह k प्लस 1 चाहिए. k प्लस 1 का मतलब यह है कि इस पूरे एक्सप्रेशन का k प्लस 1 एक फैक्टर होना चाहिए. अगर k प्लस 1 इसका एक फैक्टर है, ठीक है, तो यहाँ पे हम फैक्टर थ्योरम लगा सकते हैं. k की वैल्यू माइनस 1 पुट करने से ये जीरो होना चाहिए. k की वैल्यू माइनस 1 पुट करने से जीरो होना चाहिए. अब माइनस 1 यहाँ पुट करेंगे तो हो जाएगा माइनस 1 और ये हो जाएगा माइनस 9. तो माइनस 1 माइनस 9 माइनस 10 ये k स्क्वायर है. माइनस 1 का स्क्वायर प्लस होता है इसलिए 6 प्लस 4 ये भी 10 होता है. तो प्लस 10 माइनस 10 ये जीरो हो रहा है. तो k प्लस 1 इसका एक फैक्टर आएगा. ठीक है, तो हम यहीं पे इसको सॉल्व कर देते हैं. आपको सिखाता हूँ. 1 अपॉन a प्लस 1 इंटू के प्लस 2. अब हमें यह ध्यान रखना है कि हमें k प्लस 1 एक फैक्टर बनाना है और इसमें बनेगा. अब k स्क्वायर के साथ में क्या लिख, k क्यूब के साथ में क्या लिखूं कि यहाँ पे k प्लस 1 एक फैक्टर बन जाए. k
स्क्वायर लिखूंगा मैं, के स्क्वायर कॉमन लेंगे तो के प्लस वन बचेगा, यहाँ पे के प्लस वन मिलेगा मुझे। अब के स्क्वायर ने यूज किया तो कितने के स्क्वायर बचे, फाइव के स्क्वायर बचे। अब फाइव के स्क्वायर के साथ में क्या लिखूं ताकि कॉमन लेने पर के प्लस वन बच जाए, ठीक है, तो वो होगा फाइव के, ठीक है। अब फाइव के मैंने कहाँ से लिया, 9k में से 5k ले लिया, तो कितने k बच गए, 4 बच गए, प्लस 4k प्लस 4, इसमें से मैं 4 कॉमन लूंगा तो फिर k प्लस 1 बचेगा, ठीक है। इस प्रकार से मैंने इनको अरेंज कर दिया, अब कॉमन लेना आसान हो जाएगा। तो 1 अपॉन k प्लस 1, k प्लस 2, और ये हो गया, इसको सारे को नीचे इकट्ठा कर देते हैं, 4k प्लस 3, और ये हो गया हमारा k स्क्वायर, तो k प्लस 1, फिर यहाँ से प्लस 5k, फिर k प्लस 1, k प्लस 4, फिर k प्लस 1, सो दिस बिकम्स k स्क्वायर प्लस 5k प्लस 4, इसके फिर फैक्टर बनेंगे और इनटू के प्लस वन अपॉन के प्लस वन, के प्लस टू एंड के प्लस थ्री, ये नीचे एक फोर भी है सामने लिख देते हैं, तो के प्लस वन तो चला गया इससे। अब इसके क्या फैक्टर बनेंगे, इसमें से के प्लस वन एक आएगा, के प्लस वन और एक आना चाहिए k प्लस 4, k स्क्वायर k 4 के 5 4, ये आ गया, और नीचे आया हमारे पास 4 इंटू k प्लस 2 एंड k प्लस 3, ठीक है। अब ये जो फॉर्म है ये सेम फॉर्म है ये वाला, इसको हमें इस प्रकार से रीराइट करना है। So this is equal to k plus 1, k plus 1 plus 3, this is 4, k plus 1 plus 1, this is k plus 1 plus 2. So this form and this form perfectly matches. So we see that pk plus 1 is true, right? Therefore we can say that given expression is true for all values of n belonging to natural number. इस प्रकार से हम इसको show कर सकते हैं, okay? समझ आया बेटा?